हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं, अगर आपको एएमडी के साथ में पीसी बिल्ड करना है और ग्राफिक कार्ड परचेस करने के लिए आपका बजट नहीं है, ऑब्वियसली ग्राफिक कार्ड जो है वो अभी बहुत कॉस्टली बिक रहे हैं, क्योंकि जैसे कि आपको पता है कि ग्राफिक कार्ड का शॉर्टेज है और इसकी वजह से उसके प्राइजेस जो है वो काफ़ी हाई चल रहे हैं। और अगर आप एक बजट गेमर हो और सोच रहे हो कि 1 लाख या उसके भी अंदर एक पीसी बिल्ड करना है, तो उसके अंदर आप जब ग्राफिक कार्ड परचेस करने जाओगे तो 1 लाख के तो आपको ग्राफिक कार्ड ही मिल जाएंगे। तो बहुत सारे लोगों को जो है वो गेमिंग करना होगा, पर ग्राफिक कार्ड की वजह से वो लोग जो है वो पीसी बिल्ड नहीं कर पा रहे और गेमिंग नहीं कर पा रहे। तो आज के इस वीडियो में जो है वो मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप एपीयू मतलब एक्सेलरेटेड प्रोसेसिंग यूनिट के साथ में जो है वो पीसी बिल्ड कर सकते हो अगर आप इमरजेंसी में हो। मतलब रीजंस मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्या रीजंस है आपको एपीयू पीसी बिल्ड करने का। फर्स्टली तो है, अगर आप कंटेंट क्रिएटर हो या फिर अभी स्टार्ट करना है आपको गेमिंग या स्ट्रीमिंग, तो उसके लिए अगर आपके पास कुछ भी अभी नहीं है, जैसे गेमिंग लैपटॉप भी नहीं है या फिर कोई भी पीसी नहीं है, तो डेफिनेटली आपको इमरजेंसी रहेगी अभी कंटेंट क्रिएट करने की, तो डेफिनेटली आप जो है एपीयू बिल्ड जो है अभी कर सकते हैं। दूसरा चीज यह है कि आपको बजट में पीसी बिल्ड करना है और ग्राफिक कार्ड के कॉस्ट जो है काफी हाई है, और लेटर ऑन जो है वो जब प्राइस डाउन होंगे तब आप ग्राफिक कार्ड उसमें लगा के वो पीसी को यूज कर सकते हो। ये भी सेकेंड रीजन है आप एपीयू बिल्ड कर सकते हैं। तो यही चीज है एपीयू के साथ में पीसी बिल्ड करने का बेनिफिट। तो चलिए ज्यादा समय नहीं गवाएंगे और फटाफट से आज के वीडियो को शुरू करते हैं। बताता हूँ मैं आपको कौन से जो प्रोसेसर है उसके साथ आप पीसी बिल्ड कर सकते हैं, कौन से एपीयू जो है मतलब कौन से प्रोसेसर के साथ अभी फिलहाल के लिए विदाउट ग्राफिक कार्ड आप पीसी बिल्ड कर सकते हो। ओनली एएमडी के प्रोसेसर के बारे में ये वीडियो में बात करेंगे, और इंटेल का अगर आपको जानना है तो अलग से मैं उसके लिए वीडियो लेके आ जाऊंगा, उसके अंदर से आपको पता चल जाएगा कि इंटेल के कौन से प्रोसेसर के साथ आप जो है वो पीसी बिल्ड अभी के लिए कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग सिर्फ एएमडी प्रोसेसर्स के बारे में बात करेंगे कि कौन से ऐसे एपीयूज है मतलब जिसके अंदर इंटीग्रेटेड ग्राफिक कार्ड रहने वाला है, मतलब सीपीयू के अंदर इंटीग्रेटेड ग्राफिक कार्ड होने वाला है और आपको अलग से ग्राफिक कार्ड लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेटर ऑन जब प्राइजेस कम हो जाएंगे तब आप ऐड कर लेना, और अभी फिलहाल के लिए आप कंटेंट क्रिएशन, वीडियो एडिटिंग, हल्के फुल्के गेमिंग और मोस्ट इंपोर्टेंट चीज GTA जैसे गेम्स भी आप इसके अंदर खेल सकते हो। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे कि गाइस, आज आपको मैंने बताया कि हम लोग एपीयू पीसी बिल्ड के बारे में बात करने वाले हैं जो कि एएमडी के प्रोसेसर के साथ करने वाले हैं। तो एएमडी का फर्स्ट प्रोसेसर जो मैंने आपके लिए शॉर्टलिस्ट किया हुआ है वो 3200G है। तो ये प्रोसेसर के बारे में थोड़ा बहुत आपको मैं बता देता हूँ। ये 4 कोर 4 थ्रेड्स के साथ आता है और इसका बेस फ्रीक्वेंसी जो है, क्लॉक स्पीड आप बोलते हैं, उसका 3.6 GHz का है और मैक्स जो है वो 4 GHz का है। ऑल्सो मैं आपको बताना चाहता हूँ ये 12 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी के साथ आता है और ये AM4 सॉकेट को सपोर्ट करता है। ये वीडियो में जो भी प्रोसेसर मैं आपको बताने वाला हूँ, टोटल 6 प्रोसेसर बताने वाला हूँ, सारे प्रोसेसर जो है वो AM4 सॉकेट को सपोर्ट करता है और 2 प्रोसेसर जो है वो 12 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पे चलते हैं और बाकी के 4 जो है वो 7 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी के साथ चलने वाले। तो चलिए, ये हो गया अपना फर्स्ट प्रोसेसर जो कि अभी आप पीसी बिल्ड के लिए कंसीडर कर सकते हैं। अगर आपको मैं बताना चाहूँ कि एपीयू क्यों आपको लेना चाहिए अभी के टाइम में, तो अगर आपके पास ग्राफिक कार्ड नहीं है तो डेफिनेटली अगर आपको डिस्प्ले चाहिए तो आप एपीयू वाले प्रोसेसर्स लगेंगे, मतलब इंटीग्रेटेड ग्राफिक कार्ड वाले प्रोसेसर्स लगेंगे, नहीं तो आपका डिस्प्ले जो है वो नहीं आएगा, क्योंकि दूसरे जो प्रोसेसर्स रहते हैं अदर देन एपीयूस उसके अंदर डिस्प्ले नहीं आता है अगर आपके पास ग्राफिक कार्ड नहीं होगा। तो ये जो प्रोसेसर्स मैं बताऊंगा इसके अंदर आपको ग्राफिक कार्ड की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका डिस्प्ले जो है वो आ जाएगा मदरबोर्ड के, आप HDMI पोर्ट में वायर लगा देना आपके मॉनिटर का और आपको डिस्प्ले जो है आने वाला है। थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि जो आपको आइडेंटिफाई करना है ये प्रोसेसर्स वो आप कैसे कर सकते। अगर आपको जानना है AMD के प्रोसेसर्स जिसके अंदर इंटीग्रेटेड ग्राफिक कार्ड होता है वो कैसे आइडेंटिफाई करना है, तो सारे जो प्रोसेसर्स रहते हैं विद इंटीग्रेटेड ग्राफिक कार्ड उसके अंदर आपको नंबरिंग के बाद में G लिखा हुआ लेटर दिखाई देगा, मतलब AMD के जो भी प्रोसेसर उसके अंदर अगर G आता है लास्ट में नंबर के बाद में, तो समझ जाने का कि उसके अंदर जो है वो इंटीग्रेटेड ग्राफिक कार्ड है। तो अभी इसके अंदर जो इंटीग्रेटेड ग्राफिक कार्ड यूज किया हुआ है वो है Radeon Vega 8 ग्राफिक कार्ड। चलिए नेक्स्ट प्रोसेसर की तरफ बढ़ते हैं जो कि आप कंसीडर कर सकते हैं पीसी बिल्ड करने के लिए विथ इंटीग्रेटेड ग्राफिक कार्ड, जो कि है Ryzen का Ryzen 3400G। ये पर्सनली मैंने अपने एक फ्रेंड के लिए बिल्ड किया हुआ है, तो इसके ऊपर और भी वीडियो में लेके आऊंगा, प्रॉपर बेंचमार्क और पीसी बिल्ड के ऊपर वीडियो आएगा
3400G के साथ में। उसने भी एक दो महीने परचेस किया था जब इसका प्राइस ऑलमोस्ट 12,000 से 15,000 के बीच में था। अभी अगर आप अमेजोन पे देखोगे तो ऑलमोस्ट 20,000 प्लस चला गया है, क्योंकि सबको पता चला है कि मोस्ट ऑफ देम जो है अभी एपीयू के साथ पीसी बिल्ड कर रहे हैं, क्योंकि ग्राफिक कार्ड का शॉर्टेज हो रहा है। इसके वजह से एपीयू जो प्रोसेसर है उसके भी प्राइसेस बढ़ गए और उसका भी शॉर्टेज दिखना चालू हो गया। तो मेरा ये सजेशन रहेगा, आप ऑनलाइन स्टोर तो जरूर चेक करना, पर आपके लोकल स्टोर, ऑफलाइन स्टोर भी चेक करना, और बेस्ट प्राइस जहाँ पे भी मिल रहा है वहां से ये जो प्रोसेसर है वो बाय कर लेना। तो इसका थोड़ा सा स्पेसिफिकेशन बता देता हूँ, ये 4 Core 8 Thread के साथ आता है। इसका बेस फ्रीक्वेंसी 3.7 GHz है और मैक्स फ्रीक्वेंसी 4.2 GHz है। और जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो प्रोसेसर है ये 12 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी के साथ आएगा। दो प्रोसेसर मैंने आपको बताया था कि 12 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी के साथ आएंगे और 2 7, तो ये भी प्रोसेसर 12 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी के साथ आएगा। इसके अंदर भी इंटीग्रेटेड ग्राफिक कार्ड है जो कि है वेगा 11 का, रेडियन वेगा 11, जो कि बेटर परफॉर्म करेगा कंपेयर टू 3200G। तो दोनों में से देख लेना कौन सा आपको बेस्ट प्राइस में मिल रहा है, वो आप डेफिनेटली कंसीडर कर सकते हैं। ऑल्सो अगर आप उतना बजट है 3400G का बाय करने का, तो डेफिनेटली आप 3200 से अच्छा 3400G ले लेना। अगर थोड़े से पैसे अगर आपको एक्स्ट्रा देने पड़ रहे 3200G से, तो डेफिनेटली आप इसको बाय कर सकते हो। यहाँ पे जो भी मैं सिक्वेंस में प्रोसेसर बता रहा हूँ वो लोअर टू हायर है, मतलब परफॉर्मेंस भी लोअर रहेगा और प्राइस भी लोअर रहेगा, और धीरे धीरे हम लोग अपर प्राइस की तरफ जाएंगे और उसका जो परफॉर्मेंस भी है वो बढ़ते जाने वाला, मतलब अच्छा परफॉर्मेंस आपको मिलने वाला है। नेक्स्ट प्रोसेसर की तरफ बढ़ते हैं जो कि है 4350G। ये प्रोसेसर एक्चुअली रिटेल मार्केट मतलब DIY मार्केट के लिए नहीं था, जो कि हम लोग की तरफ पीसी बिल्ड करते हैं उसके लिए नहीं था, पर जो भी रिटेलर्स के पास प्री बिल्ड पीसीज वगैरह में ये प्रोसेसर आते थे, तो वो रिटेलर्स जो है वो आपको बिल्ड करके ये प्रोसेसर के साथ देते थे। तो अगर आपको ये भी मिलता है तो डेफिनेटली आप इसको कंसिडर कर सकते हैं एपीयू बिल्ड के लिए, जिसका स्पेसिफिकेशन थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, जो कि है 4 Core 8 Thread के साथ ये आता है। बेस फ्रीक्वेंसी 3.8 GHz है, मैक्स फ्रीक्वेंसी 4 GHz है, और ये जो है वो 7 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी के साथ आता है। इसके अंदर जो इंटीग्रेटेड ग्राफिक कार्ड यूज किया हुआ है वो है रेडियन ग्राफिक कार्ड, जो कि बेटर है 3200G और 3400G से। तो अगर आपको कुछ थोड़े से पैसे डाल के अगर ये वाला प्रोसेसर मिलता है, तो डेफिनेटली आप इसको कंसिडर कर सकते हैं, जो कि 4 Core 8 Thread के साथ आता है, जो कि बेटर परफॉर्म करेगा 3400G या 3200G से। अभी नेक्स्ट प्रोसेसर की बात करेंगे तो है राइजन का, राइजन 5 4650G। ये भी सेम रिटेल मार्केट के लिए नहीं था, DIY मार्केट के लिए नहीं था, पर जब भी शॉर्टेज होने लगे ग्राफिक कार्ड के तभी ये जो है वो रिटेलर्स बेच रहे थे। तो इसका भी थोड़ा सा स्पेसिफिकेशन आपको बता देता हूँ, 6 Core 12 Threads के साथ यह आता है। बेस फ्रिक्वेंसी 3.7 GHz है, मैक्स फ्रिक्वेंसी जो है 4.2 GHz है, और इसका जो है ये 7 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी के साथ आता है, और इंटीग्रेटेड ग्राफिक कार्ड जो है वो रेडियन ग्राफिक कार्ड है, जो कि बेटर परफॉर्म करेगा 4350G से। तो मैंने जैसे आपको बताया कि लोअर परफॉर्मेंस से हायर परफॉर्मेंस की तरफ जाएंगे, तो इसका परफॉर्मेंस है वो 4350G से 4650G जो है वो अच्छा परफॉर्म करने वाला है। देख लेना आपके बजट में कौन सा प्रोसेसर आता है, और कुछ थोड़े बहुत पैसे डाल के अगर 4650 मिल रहा है आपको, मतलब 4350G में थोड़े से पैसे डाल के 4650G मिल रहा है, आप डेफिनेटली 4650G पे जाना। देख लेना स्टॉक अवेलेबिलिटी डिपेंड करता है, ये चारों प्रोसेसर आपको अच्छा खासा परफॉर्मेंस जो है वो देने वाले हैं इन टर्म्स ऑफ गेमिंग, इन टर्म्स ऑफ वीडियो एडिटिंग या स्ट्रीमिंग। 3200G है वो थोड़ा सा कमजोर रहेगा इन केस ऑफ गेमिंग एंड स्ट्रीमिंग, पर फिर भी लो सेटिंग्स के साथ में आप वो जो है कर सकते हो। बहुत सारे वीडियोस है ऑनलाइन, आप डेफिनेटली उसको देख के आपके सेटिंग्स जो है गेम का या स्ट्रीमिंग का करके आप जो है कर सकते हो। तो ये सारे जो चार प्रोसेसर है ये तो अभी रिटेल मार्केट्स में है, आपको कहीं ना कहीं तो मिल जाएंगे, ऑनलाइन ऑफलाइन लोकल स्टोर्स में मिल जाएंगे। पर अभी दो जो प्रोसेसर्स मैं आपको बताने वाला हूँ जो रिसेंटली लॉन्च किए हुए हैं AMD ने, पर मार्केट में अभी तक आए नहीं है, काफी जल्दी आने वाले हैं, जिसका नाम है 5600G और 5700G। तो ये भी जो दो प्रोसेसर्स हैं वो आप कंसीडर कर सकते हैं बाय करने का इन कमिंग डेज या कमिंग मंथ्स। तो इसका मैं थोड़ा सा स्पेसिफिकेशन बता देता हूँ, 5600G जो है वो आपको 6 Core 12 Threads के साथ मिलता है। बेस फ्रिक्वेंसी 3.9 GHz का है और मैक्स फ्रिक्वेंसी जो है 4.4 GHz का है। ये 7 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी के साथ आता है और ये भी रेडियन ग्राफिक कार्ड के साथ आता है। दूसरा जो प्रोसेसर है वो 5700G है, जो कि 8 Core 16 Threads के साथ आता है, जिसका बेस फ्रिक्वेंसी 0.8 GHz, मैक्स फ्रिक्वेंसी 4.6 GHz और 7 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी के साथ आता है। प्लस इसके अंदर भी आपको रेडियन ग्राफिक कार्ड मिलने वाला है। तो ये वाला जो है ये AMD के APU सेगमेंट में टॉप परफॉर्मर रहने वाला है, और प्राइस भी इसका सबसे ज्यादा होने वाला है, 5700G की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये जो 6 प्रोसेसर मैंने आज की इस वीडियो में बताए, ये सारे प्रोसेसर जो है इसके
अंदर इंटीग्रेटेड ग्राफिक कार्ड है, इसके वजह से आपको अलग से ग्राफिक कार्ड लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। विदाउट ग्राफिक कार्ड आपका डिस्प्ले भी आएगा, आप गेमिंग भी कर सकते हो, एडिटिंग भी कर सकते हो और स्ट्रीमिंग भी इनके साथ कर सकते हो। हालांकि जो मैंने पहले प्रोसेसर बताया 3200G, उसमें आपको थोड़ा सा परफॉर्मेंस में प्रॉब्लम हो सकता है। इतना प्रॉब्लम नहीं होगा कि आपका गेम अटक के चलेगा या पीसी जो है एकदम लैग करेगा, वैसा नहीं होगा। पर डेफिनेटली आपको कुछ सेटिंग में ट्विकिंग करना पड़ेगा अगर आप वीडियो एडिटिंग करते हो या फिर गेमिंग करते हो। तो वीडियो एडिटिंग में आपको बताता हूँ, ये सारे प्रोसेसर्स में आप 1080p पे करना, उसके ऊपर 2K या 4K का वीडियो एडिटिंग मत कर लेना, क्योंकि उसमें हो सकता है आपको प्रॉब्लम आ सकता है, मतलब लैग हो सकता है या स्मूथनेस जो है वो नहीं मिलेगा। मैंने खुद, मेरा जो फ्रेंड है उसका पीसी बिल्ड किया है 3400G के साथ में, उसमें मैंने डेवेंची रिजॉल्व और फिल्मोरा जो है दोनों वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर जो है वो यूज किए है और मेरे को कुछ इतना प्रॉब्लम नहीं आया। हाँ, थोड़ा सा मेरे को स्लो लगा, इतना भी स्लो नहीं है, मैनेजेबल है, मतलब अटक अटक के नहीं चलता है, स्मूथ चलता है। पर रेंडरिंग टाइम की बात करें तो थोड़ा सा कम मिलेगा कंपेयर टू अदर प्रोसेसर जिसके अंदर आपको डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड्स मिलता है। ऑल्सो मैं 1080p पे ही वीडियो एडिटिंग किया और इतना हाईफाई एडिटिंग नहीं किया, नॉर्मल एडिटिंग किया जैसे मेरे ये वीडियोस है ये एडिटिंग किए, तो उसमें मेरे को कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आया हुआ। मैं जनरली 1080p पे ही एडिटिंग करता हूं और उतना ही अपलोड करता हूं, तो इतना मेरे को प्रॉब्लम नहीं हुआ। गेमिंग की भी बात करें तो सारे प्रोसेसर के साथ GTA जैसे गेम मोस्ट ऑफ लोग पूछते हैं GTA के बारे में, तो वो भी गेम खेल सकते हो। ऑल्सो दूसरे गेम्स कौन से इसके साथ कॉम्पेटेबल है वो आपको जानना है, तो क्या करना, जो भी गेम आपको पसंद है और आप खेलना चाहते हो वो गेम ओपन करना, जैसे स्टीम पे जाना या एपिक गेम स्टोर पे जाना, और उधर जब आप गेम को सिलेक्ट करोगे और देखोगे तो नीचे सिस्टम रिक्वायरमेंट्स आपको मिल जाएंगे, तो उसमें जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो चेक कर लेना। अगर मिनिमम रिक्वायरमेंट से ऊपर आपका ये प्रोसेसर दिखाई दे रहा है तो आपका गेम जो है वो आसानी से उसमें चलने वाला है। पर मिनिमम रिक्वायरमेंट का ये मतलब नहीं है कि वो गेम आप हाईएस्ट सेटिंग्स पे खेल सकते हो, आपको कुछ सेटिंग्स में उसका ट्विकिंग करना पड़ेगा ताकि आप आसानी से आपके ये जो APUs है उसके साथ वो गेम खेल पाओगे। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट सेक्शन में बताना, अगर पसंद आया तो लाइक कर देना, अगर नहीं पसंद आया तो आप डिसलाइक भी कर सकते हो। ऑल्सो कुछ क्वेश्चंस या क्वेरीज हो ये वीडियो या कोई भी वीडियो ये चैनल पे उसके बारे में, तो आप पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में, मैं डेफिनेटली आपके क्वेश्चंस के आंसर देने की कोशिश करूंगा। ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, ऐसे टाइप के कंटेंट में अगर आप इंटरेस्ट रखते हो, टेक रिलेटेड कंटेंट में आप इंटरेस्ट रखते हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर देना, ताकि जब भी ऐसे वीडियो आएंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। इसमें मैंने ज्यादा टेक्निकल बातें नहीं की है क्योंकि आपको मैं बोर नहीं करना चाहता था, इसकी वजह से ये किया हुआ है। बाकी आप मेरे को या फिर ये चैनल को सपोर्ट करना चाहते हो तो नीचे दिए गए लिंक से आप शॉपिंग कर सकते हो, Amazon, Flipkart, Mamaearth, Wow Skin Science, कुछ भी आपको शॉप करना है नीचे जाओ, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से क्लिक करके वेबसाइट्स पे जाना ताकि थोड़ा सा मेरे को हेल्प हो जाएगा। बाकी ग्रीन सोल का मैं हर एक वीडियो में जो है QR कोड डालते रहता हूं, अगर आपको 15% डिस्काउंट चाहिए तो आप प्रशांत 15 जो है वो ग्रीन सोल के वेबसाइट पे डाल देना, QR कोड स्कैन करके वेबसाइट पे डायरेक्टली जा सकते हो। अगर QR कोड स्कैन नहीं करना है तो ग्रीन सोल के वेबसाइट पे डायरेक्टली जाना और मेरा जो कोड है आप यूज कर सकते हो, कुछ भी अगर आपको बाय करना है टेबल चेयर कार्ट में डालना, कूपन कोड की जगह पे प्रशांत 15 डालना, आपको 15% डिस्काउंट मिल जाएगा। ऑल्सो आपको मैं बताना चाहता हूँ, ये जो कोड है आपके सारे फ्रेंड्स फैमिली मेंबर्स जिसको भी इंटरेस्ट है ग्रीन सोल से कुछ बाय करने के लिए उनके साथ शेयर कर देना, ताकि उनको भी ये 15% का डिस्काउंट मिल जाएगा। बाकी अगले आने वाले वीडियोस में मैं 3400G का बेंचमार्क स्कोर्स वगैरह आपको बताने वाला हूं और पीसी बिल्ड मैंने क्या क्या किया है, मतलब कौन से पार्ट्स यूज किए 3400G के साथ में, वो भी मैं लेके आऊंगा। नेक्स्ट वीडियो होगा ये मैं गारंटी नहीं दूंगा, पर आने वाले समय में ये चैनल पे उसका भी वीडियो आ जाएगा, तो स्टे ट्यून टू द चैनल, सब्सक्राइब करके रख देना ताकि आपको नोटिफिकेशन उसका मिलता रहेगा। बाकी मेरे सारे सोशल मीडिया हैंडल्स जो है वो मैंने नीचे मेंशन किया, वहां पे भी फॉलो कर लेना, ताकि कभी यूट्यूब का नोटिफिकेशन नहीं आता है तो वहां पे भी मैं पोस्ट करता हूं और न्यू वीडियो जैसे डालता हूं तो आपको वहां से नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही, बाकी मैं मिलूंगा आपको अगले और एक्साइटिंग वीडियोस में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।